रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर फ्रेश बैचेस क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम CBSE एंड ICSE नया बैच 15 मार्च 2020 से स्टार्ट 9576144386 नमस्कार आप देख रहे हैं गीतांश टीवी प्रस्तुत है समाचार मांझी आवसे अनूप सिंह की रिपोर्ट। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2019 की तैयारी हेतु जिला शिक्षा अधिकारी के पत्रांक 1780 दिनांक 26 नवंबर 2018 के आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा के द्वारा प्रखंड क्षेत्र में 3 अतिथि शिक्षक के पद पर पूरे अपग्रेडेड हाई स्कूल में प्रतिनियुक्त किया गया, लेकिन लगातार 3 महीने तक ड्यूटी करने के बावजूद भी आज तक मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सका। इधर बकाया मानदेय के भुगतान करवाने हेतु अतिथि शिक्षकों ने कई मर्तबा संबंधित विभाग के कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा भी नहीं निकला। इसके बाद अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बकाया भुगतान के संदर्भ में पिछले 25 फरवरी को ज्ञापन सौंपा है। इधर इस संबंध में अतिथि शिक्षक पूर्व गांव निवासी सुजीत कुमार यादव, मांझीगावा गांव निवासी अजीत कुमार यादव एवं बडीहा प्रखंड के आदर गांव निवासी नवाब आलम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। विज्ञप्ति में कहा गया कि दिसंबर 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक हम लोगों से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करवाया गया था, इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग के द्वारा मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सका, जबकि प्रतिदिन 500 रुपए की दर से मजदूरी बतौर रखी गई थी। इधर अतिथि शिक्षकों ने बताया कि जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय के द्वारा निर्धारित मानदेय की राशि के आलोक में हम लोग ड्यूटी करते रह गए। कहा कि प्रत्येक अतिथि शिक्षकों की 59 दिनों का बकाया मानदेय 29,500 रुपए बनता है। कुल मिलाकर तीनों अतिथि शिक्षकों के मानदेय 88,500 रुपए बाकी है। इधर निराश अतिथि शिक्षकों ने कहा कि होली का त्योहार नजदीक की ओर आ रहा है, लगता है कि इस वर्ष होली फी की रह जाएगी। अभिलंब बकाया राशि के भुगतान करवाने की मांग जिला उपायुक्त गढ़वा से किया है। आप लोग का वेतन वगैरह मानदेय वगैरह क्या मिला? नहीं मिला है। क्या हुआ? हम लोग वार्षिक माध्यमिक परीक्षा की विशेष तैयारी हेतु गढ़वा जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 1780 दिनांक 26/11/2018 के आलोक में बतौर अतिथि शिक्षक के पद पर 500 रुपये प्रति मानव दिवस के मानदेय पर अस्त्रोन्नत उच्च विद्यालय पूरे में रखा गया था। हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में चक्कर बार बार चक्कर लगा रहे हैं। हम लोग को साल भर बीत गया लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ, और हम लोगों ने फिलहाल 25 फरवरी को झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेटर भी दिए हैं, आवेदन भी दिए हैं। हम लोग जाकर के भुगतान कराने के लिए, अभिलंब भुगतान कराने के लिए एक दरखास्त दिया हूँ। अभी आगे क्या कार्रवाई होती है तो हम नहीं जान रहे। और यहाँ से कुछ यहाँ से कहीं कुछ नहीं, हम लोग जाते हैं, बोला जाता है कि फरवरी में हो जाएगा, ये महीना में हो जाएगा, वो महीना में हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लगभग 13-14 महीने बीत गए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। किस पद पे हैं? हम पूरे हाई स्कूल में अतिथि शिक्षक के पद पे थे। हम लोगों से 3 महीना कार्य लिया गया 500 रुपये प्रति मानव दिवस के रूप में, और अभी फिर फिलहाल भुगतान नहीं किया गया। हम लोग का 29,500 रुपया वेतन बनता है, 59 दिन काम किए थे जी। धन्यवाद।